हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, परंतु आपको हकीकत बताना हमारी प्राथमिकता है। यह वीडियो देखकर आप डरे नहीं, परंतु सजग हो जाए कि कोरोना संक्रमण भारत देश में कितना विकराल रूप ले चुका है। कृपया मास्क और 2 गज की दूरी की पालना जरूर करें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हर हर महादेव के नारे के साथ गरीबों का पेट भरने वाले सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कांत तिवारी ने गुरुवार को दम तोड़ दिया। कंट्रोल चल रहा है, अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार भी उस कोरोना की आगोश में समा सकता है। तो मैं किशोर तिवारी एक समाज सेवी संगठन चलाता हूँ। मैंने इस कोरोना को बड़ा करीब से देखा है। 24 मार्च से मैं सड़कों पर दौड़ रहा हूँ। 2020 से मैंने इस कोरोना को समझा, मैंने इस कोरोना को जाना है। और आप लोग इस कोरोना को जो हल्के में ले रहे हैं, इसे हल्के में न लें, क्योंकि अब कोरोना जो है भारत में पैर फैला चुका है, बहुत लंबा पैर छलांग लगा चुका है। टेस्टिंग नहीं होने के कारण या केस धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन टेस्टिंग जिस दिन पूरे टेस्ट करा दिया जाए पूरे बनारस का या पूरे भारतवर्ष में, तो दुनिया में सबसे पहले नंबर पर कोरोना के मरीज ज्यादा से ज्यादा हमारे भारत में पाए जाएंगे। हमारे यहाँ टेस्ट में लापरवाही की जा रही है। नाक में जो सिम्टम्स निकालने के लिए जो डाला जाता है, उससे सही तरीके से प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है, और किसी को निगेटिव किसी को पॉजिटिव रिपोर्ट बताकर उसे क्वारंटाइन करा दिया जा रहा है। तो मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मैं तो टाइफाइड से ग्रसित हूँ, टाइफाइड से बुखार से टूट चुका हूँ। काफी ज्यादा टाइफाइड हो गया था मुझे, और 103 डिग्री तक मुझे फीवर है, बुखार है। अभी मैं 40% कह सकते हो कि मैं ठीक हो गया हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा, बार बार कहता हूँ, मुझे आप लोग की बहुत चिंता होती है, बहुत फिक्र होती है, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत ही अतुलनीय है, आप लोग हमारे लिए बहुत सम्मानित है। तो मैं यही कहूंगा कि घर से बाहर तभी निकलिए मेरे दोस्त, जब कुछ जरूरत की चीज लानी हो, और निकलना है तो अकेले निकलिए मेरे दोस्त, झुंड बना के मत निकलिए। अभी ठीक नहीं खींच चित्रंजन। जिंदगी और मौत की जंग से जूझते किशोर कांत ने कुछ ही दिन पहले अपने फेसबुक प्रोफाइल से एक लाइव वीडियो किया था। खराब स्वास्थ्य के बीच बिस्तर पर पड़े वीडियो में किशोर कांत ने कोरोना संक्रमण को लेकर अपने अनुभव को साझा किया था। पिछले 5 दिनों से हालत खराब होने पर 2 प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया। 2 दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद उनकी हालत और खराब होती गई। गुरुवार को उनका निधन हो गया।